देखिए यह विवाद बहुत ही शर्मनाक है। मैंने सारी क्लिपिंग मैंने डीएम को, एसपी को, एडीएम को, साथ साथ एसडीएम को, एडिशनल एसपी को, सीओ बल्दीराय को मैंने सारी वीडियो भेजी है और उस वीडियो को अगर वो देखेंगे गहराई से तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो जाएगा कि कौन उपद्रवी है। जो भी उपद्रव कर रहे थे लोग, वो किसी भी जात धर्म के, जिन्होंने गलती की है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि आज इब्राहिमपुर में बच्चे जो है भूखे हैं, माएँ बहनें तड़प रही हैं, लोग घरों को छोड़ करके भाग गए हैं। और सबसे मेन चीज कि जो थाना अध्यक्ष, जिन्होंने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए जो पारा बाजार में जिस तरीके से भड़काऊ भाषण दिया है, उनके भाषण देने के बाद जिस प्रकार माहौल खराब हुआ है, जिस तरीके से आप देखिए कि धार्मिक स्थल की तोड़फोड़ हुई है, जिस प्रकार आप गौर कीजिए कि घरों को जलाया गया है, जिस प्रकार घरों में लूटपाट हुई है, जिस प्रकार से गाड़ी जलाई गई है, ट्रैक्टर जलाया गया है, दुकानों के ताले तोड़े गए हैं, आखिर ये लोग कौन थे? ये सुनियोजित साजिश थी। हमें तो लगता है कि इसमें थाना अध्यक्ष बाकायदा मिला हुआ है। और सच्चाई तो ये है कि थाना अध्यक्ष की लापरवाही का ही नतीजा है कि जो बड़े पैमाने पर, और अभी तक मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराता हूं कि सरकार और डीजीपी महोदय इस मामले को गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष को तत्काल उसको टर्मिनेट करें या उसको सस्पेंड करें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जो बेगुनाह लोग को मुलजिम बनाया जा रहा है, गांव के गांव खाली हो रहे हैं, उनके वो बेचारे दिहाड़ी मजदूर हैं और उनको टारगेट बनाया जा रहा है। हमने सारी क्लिपिंग भेजी है और अभी मैं डीजीपी महोदय से मिलूंगा और कल मैं ज्ञापन दूंगा महामहिम राष्ट्रपति जी को और गवर्नर को ज्ञापन दूंगा। और मैं मांग करूंगा कि जो भी लोग दोषी हों, वो किसी भी जात धर्म के हों, जिन्होंने इस औली की शान व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और इस मामले को यही नहीं रहेगा, इस मामले को हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अगुवाई में, नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में इस मामले को मजबूती से उठाते हुए और सख्त से सख्त जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। रहा सवाल में मांग। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाउ 44 न्यूज चैनल।